अगर जीतेंगे तो हम लोग हाई देंगे हाउ देंगे, हम लोग जेल जाएंगे जेल जाएंगे। अभी सरकार ने कान में तेल लगा के सोते हुए हैं, हम लोग जेल जाएंगे जेल जाएंगे। रहने का साधन नहीं है, किराया दे रहे हैं तो हम स्थाई कर देंगे, स्थाई क्यों नहीं करें। अपनी मांगों को लेके पटना नगर निगम कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं पटना के मौर्या लोग की, किस प्रकार से लगातार जो पटना को साफ कर रखते हैं, पटना को ब्यूटी रखते हैं, उनकी मांगों पर लगातार जो वर्तमान सरकार है वो ध्यान नहीं दे रही है। उसके बाद इन्होंने सीधे तौर पे आह्वान कर दिया है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम पूरी तरह से हड़ताल पर रहेंगे। क्या कुछ इनकी मांगे हैं बात करेंगे, क्या मांगे हैं आप? मांग है तो हम लोग के सबको अस्थाई करिए। अभी सरकार ने कान में तेल लगा के सोते हुए हैं। तेजस्वी यादव क्यों नहीं सुन रहे आप लोग? सुन नहीं रहे, कहे नहीं कहेंगे कि जीतेंगे तो हम लोग हाई देंगे हाउ देंगे, कहे नहीं सुन रहे। 2019 से वो 19 बरस हो गया, 2005 से कर रहे हैं, आज तक ले सरकार ने गरीब को कोई देखभाल नहीं कर रहा है। सब दिक्कत है, घर टूट गया है, रहने का साधन नहीं है, किराया दे रहे हैं, बाल बच्चे को पढ़ाएंगे क्या, डिप्टी करेंगे, क्या दिक्कत आ रहा है? दिक्कत हम लोग तो नहीं सुन रहे हैं सर, जो गरीब सर करते करते करते, बाकी सरकार नहीं सुन रहे हैं कि हम लोग का कोई ध्यान नहीं है, कोई ध्यान नहीं है। गरीब मर रहे हैं, काट रहे हैं, 10,000 रुपया में क्या होगा, बच्चा को पढ़ाएंगे लिखाएंगे खाएंगे कि क्या करेंगे। हम बोल रहे हैं कि हम लोग का कोई सुनवाई नहीं, हम लोग का सबको स्थायी किया जाए, कोर्ट नहीं है। तभी जदो ने कहे कि हम जीतेंगे तो हम स्थाई कर देंगे, स्थाई क्यों नहीं करें, कान में तेल लेकर सोते हुए हैं। 2005 19 बरस हो गया, अब तक ले सरकार ने अभी तक ले कान में तेल लगा के सोते हुए हड़ताले पर रही है, तले कोई सुनाई नहीं करेंगे तले हड़ताले पर रहेगी, हम लोग जेल जाएंगे जेल जाएंगे, बाकी अपने मांग ले के रहेंगे। सीधे तौर पे तमाम जो यहाँ पे पटना नगर निगम के जो कर्मचारी है वो मौर्या लॉक पे एकजुट हो गए और सीधे तौर पे ये आह्वान कर दिया है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हमें स्थायी नहीं किया जाएगा, हमारा आंदोलन जो है वो लगातार बदस्तूर जारी रहेगा। क्या दिक्कत हो रहा है? हम लोगों का पैसा भरना चाहिए सर, नहीं तो स्थायी होना चाहिए। कितनी कुल आप बताइए कि 10,000 में बाल बच्चा पढ़ावेंगे कि लिखावेंगे क्या करेंगे? 10,000 में बताइए, प्राइवेट में अभी 8,000-9,000 कहते हैं कि जब गरीब के सरकार है तो कोई गरीब का कौन चीज देख रहा है, वही 10,000 और 8,000 में पूरा हो रहा है हम लोग का। देखिए सीधे तौर पे तमाम जो यहाँ पे एकजुट हुए हैं पटना नगर निगम के कर्मचारी हैं, दिन रात मेहनत करके पटना को चमकाने का काम करते हैं और इनका सीधे तौर पे कहना है कि इनकी मांगे है कि हमें स्थायी किया जाए, वेतन को बढ़ाया जाए और लगातार ही अपनी मांगों को लेके जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, नगर विकास मंत्री भी हैं, वो लगातार अपनी फरियाद को सुनाने का भी काम किया, लेकिन इनकी मांगों पर गौर नहीं किया जा रहा है और इन्होंने सीधे तौर पे कहा कि अगर इनकी मांगे पूरी नहीं की जाएगी तो अब ये आंदोलन करेंगे, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए। अब देखने वाली बात होगी कि इनकी मांगों पर कब तक गौर किया जाता है या इनका आंदोलन और मुहिम जो है वो रंग लाता है। रोहित, दर्शनी, पटना।